हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 27 नवंबर और डे है सैटरडे। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं आज बना रही हूँ नाश्ते में लौकी की सब्जी और बैंगन का भरता। तो बैंगन को मैं पहले भून ले रही हूँ और उसके बाद भूनने के बाद इसका छिलका निकाल के और फिर इसका भरता बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अदरक छील ले रही हूँ। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज डाल के मैं और टमाटर ये सब डाल के बैंगन का भरता बनाने वाली हूँ। तो लौकी आज मैं कुकर में बना रही हूँ। सिंपल सी सब्जी बनाऊँगी लौकी की। सिर्फ हल्दी नमक डाल के और लास्ट में कसूरी मेथी डाल दूँगी। कसूरी मेथी का मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है। कुकर जब गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी और थोड़ा सा जीरा, फिर सिंपल लौकी, हल्दी, नमक डाल के और कुकर का ढक्कन बंद करके 10 मिनट तक पका लूँगी मीडियम फ्लेम पे। तो मुझे और वंश को सर्दी हो गई है। वंश को तो बहुत सर्दी हो गई है, मुझे थोड़ी सी कम है। आजकल सीजन चेंज हो रहा है, इसके वजह से सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल गर्म हो गया है तो मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा जब हल्का सा भून जाएगा तब मैं इसमें प्याज डाल के और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। उसके बाद मैं ये लौकी, हल्दी, नमक और थोड़ा सा पानी डाल के कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक पका लूँगी। लौकी को मैंने बनने के लिए कुकर में डाल दिए हैं और बैंगन को मैं यहाँ पे पका ले रही हूँ। बैंगन भी लगभग पक ही चुके हैं, थोड़ा सा पकना बाकी है। तो मैंने जो लहसुन अदरक सब छीले हुए हैं उस सब का मैं कचरा साफ़ कर ले रही हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, ऐसे में क्या होता है कि अपना टाइम बचता है। नहीं तो एक बार करो फिर साफ़ करो तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है। मैं जब तक कोई सब्जी बनाती रहती हूँ तब तक 2-4 बर्तन रहता है, वो सभी वॉश कर लेती हूँ। और जैसे ये बैंगन का भरता बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने लहसुन अदरक भी छील लिए हैं जब तक ये भून रहा है तब तक। उसके बाद ये जब भून जाएगा थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इसको छोड़ दूंगी। तब तक मैं प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती ये सब भी काट लूँगी। और बैंगन में कभी कभी कीड़े भी होते हैं अंदर से, वो सड़े हुए होते हैं, लगभग होते हैं, कभी कभी नहीं है, ऐसा होता है। अधिकतर बैंगन सड़े हुए ही होते हैं, कम बैंगन अच्छे होते हैं। तो बैंगन को हमेशा बीच से कट करके पकाना चाहिए और पकाने के बाद भी उसको अंदर में देखना चाहिए कि वो सड़े हुए हैं या अच्छे हैं। बैंगन पक गया है, सो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दी है और बैंगन को एक थाली में निकाल लिया है। और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। लौकी की सब्जी बन के रेडी हो गई है। तो मैंने कुकर को ठंडा कर लिया था, उसके बाद इसका ढक्कन हटा के मैं इसको चेक कर ले रही हूँ लौकी पकी है कि नहीं। लौकी तो अच्छे से पक गई थी बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी था तो मैंने फिर से वापस से इसको गैस पे चढ़ा दी है पानी को सुखाने के लिए। और इसके बाद मैं इसमें मेथी डाल दूँगी, कसूरी मेथी। इससे सब्जी का टेस्ट बढ़ जाएगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। मुझे कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो मैं डालती ही हूँ कोई कोई सब्जी में। और इस साइड मैंने गैस पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दी है। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगी तब मैं इसमें बैंगन का भरता बना लूँगी। कढ़ाई गर्म हो गई है तो मैंने ऑयल डाल दिया है और बैंगन का भी मैंने छिलका निकाल लिया था। और उसके बाद मैंने उसको बीच से कट करके ऐसे देख लिए हैं कि इसमें कीड़ा तो नहीं है, ये सड़ा हुआ तो नहीं है। और फिर मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी हाथों से। जब ये तेल गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें थोड़ा सा हींग डाल दूँगी। ऑयल गर्म हो गया है तो मैंने हींग डाल दिया है और इसके बाद मैंने बारीक वो हरी मिर्ची काट के रखी हुई है तो मैंने ये हरी मिर्ची डाल दी है। हरी मिर्ची जब थोड़ी सी भून जाएगी तब मैं प्याज डाल दूँगी और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी।
प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे रही हूँ। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये जो मैंने टमाटर काट के रखे हुए हैं वो टमाटर डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक, फिर मैंने जो बैगन को मैश करके रखे हुए हैं वो बैगन डाल दूंगी। उसके बाद 3-4 मिनट तक भून लूंगी, फिर लास्ट में धनिया पत्ती ऐड कर दूंगी। मसाले सब अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसमें ये बैगन डाल दूंगी, उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, और 3-4 मिनट तक भून लूंगी इस सबको, फिर लास्ट में धनिया पत्ती ऐड कर दूंगी। तीन चार मिनट हो गया है, बैगन अच्छे से भून गया है तो मैं अब इसमें ये धनिया पत्ती ऐड कर दूंगी और गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। इसके बाद मुझे रोटी बनाना है तो आज का मेरा ये खाना है बैंगन का भरता, लौकी की सब्जी और रोटी। और ये रहा मेरा आज का खाना, सो मैंने खाने के लिए निकाल लिया है।